गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर वन ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एंड इट इज फर्स्ट लेक्चर। एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस मींस एनी केमिकल चेंज व्हेन अकर्ड देन देयर मस्ट बी अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर कोई भी केमिकल चेंज होता है तो इसका मतलब वहां केमिकल रिएक्शन हुआ है। एंड दिस चेंज कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, और ये चेंज किसी कोई एक चेंज हो सकता है, सच एज चेंज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होना या इंक्रीज होना, चेंज इन द फिजिकल स्टेट चेंज होना, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी गैस का निकलना सच एज हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना, जैसे रेड कलर है वो कलरलेस हो जाना, या ग्रीन कलर है तो वो कलरलेस हो जाना। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स आर एडेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड देन द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन विल इंक्रीज अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब जिंक ग्रैन्यूल्स हम ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में तो टेम्परेचर जो होता है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज हो जाता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन।